हेलो सो गाइस, वेलकम बैक यू ऑन चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों के चार्ट को एनालिसिस करेंगे और हम ये समझेंगे कि मंडे के दिन मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत आप कौन से ट्रेड को बाई कर सकते हो और कौन से ट्रेड में आप पोजिशन बना सकते हो। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, हम सबसे पहले FIS के ऑप्शन के डेटा को देख लेते हैं। तो यहाँ पर FIS इंडेक्स ऑप्शन में आप देखोगे तो आज के दिन FIS ने बाइंग करी है 14,246 करोड़ की। इसके बाद नीचे आप देखोगे तो FIS स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने बाइंग करी है 2,546 करोड़ की। और ये डेटा आप देखोगे तो आपको ग्रीन दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आज के दिन FIS ने जो पोजीशन बनाई है मार्केट में, ये बुलिश साइड बनाई है। या तो कॉल को इन्होंने बाय किया होगा या तो फिर पुट को सेल किया होगा। ज़्यादा चांसेस है कि पुट को इन्होंने सेल किया होगा। अब मंडे के दिन जो मार्केट बुलिश रहेगी तो ही यहाँ पर FIS को प्रॉफिट होगा, अदरवाइज FIS को लॉस होगा। तो मंडे के दिन FIS यही कोशिश करेगी कि मार्केट को बुलिश रखा जाए ताकि इन्होंने यहाँ पर ये जो फंड रेस किया है इनको निकाला जाए। तो मंडे के दिन ज़्यादा चांसेस यही रहेगा कि मार्केट बुलिश रहेगी। तो मंडे के दिन हमें जो ट्रेड लेने का है वो हमें बुलिश साइड ही ट्रेड लेने का है। अब कितनी मार्केट बुलिश रहेगी ये हम सीधे समझेंगे चार्ट के ऊपर। गाइस, हम आ चुके हैं सीधे यहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर वन डे की कैंडल्स को लगाया हुआ है। अगर आप वन डे की कैंडल्स पे आकर ऑब्जर्व करते हो निफ्टी 50 को तो लास्ट की ये जो तीन कैंडल बनी है ये हमें बियरिश कैंडल्स दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये जो लास्ट की कैंडल है ये रेड कैंडल तो ज़रूर है, लेकिन इनमें एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात है कि नीचे की साइड से प्राइस को रिजेक्ट किया गया है और ऊपर की साइड इन्होंने जाकर क्लोजिंग दिया है। ज़्यादा नहीं, लेकिन एक बार मार्केट ज़रूर नीचे गए लेकिन इसके बाद इनकी जो क्लोजिंग हुई वो थोड़ी सी ऊपर की साइड हुई है। तो ये जो कैंडल लास्ट की है थोड़ी हमें पॉजिटिव कैंडल्स हमें दिखाई पड़ रही है। और मेरे काफ़ी सारे वीडियो में मैंने आपको एक बात ज़रूर बोला है कि जब तक निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक आपको गिरावट की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए। अगर बाय चांस गिरावट होती भी है तो कहाँ तक गिरावट हो सकती है इसको भी हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि अगर मंडे के दिन हमें निफ्टी 50 में ट्रेड लेने का है तो किस तरह से हम ले सकते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इंट्राडे की कैंडल्स के ऊपर। तो हम आ चुके सीधे यहाँ पर 15 मिनट्स की कैंडल्स के ऊपर। अगर 15 मिनट्स की कैंडल्स के ऊपर आकर आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करोगे तो आज के दिन जो प्राइस एक्शन हुई है, मार्केट देखिए गैप अप ओपनिंग हुई थी यहाँ पर पिछले दिन जो क्लोजिंग हुई, इसके बाद यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर पाई थी मार्केट। इसके बाद आप देखोगे तो ये एक रेड बियरिश कैंडल्स हमें दिखाई पड़ी। इसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे गई और ये प्राइस आप देखोगे तो लगभग मार्केट गई थी 18,500 के आसपास और वहाँ से मार्केट ने एक बाउंस बैक दिखाया और मार्केट ऊपर गई। बाद में यहाँ से एक गिरावट जरूर हमें दिखाई पड़ी थी लेकिन लास्ट में आप देखोगे तो कंसोलिडेशन के साथ मार्केट क्लोज हुई है। मंडे के दिन ज़्यादा चांसेस है कि हमें मार्केट बुलिश दिखाई पड़ेगी। तो अब हमें मंडे के दिन मार्केट में ट्रेड लेने का है तो देखिए किस तरीके से ले सकती है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट की कैंडल्स बनी है इसको देखकर ऐसा लगता है कि मार्केट में जो ओपनिंग होगी ये थोड़ी ऊपर ओपनिंग होगी और मेरे ख्याल से जो मार्केट में ओपनिंग आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए वो 18,550 के ऊपर यहाँ कहीं पे ओपनिंग होगी। और जैसे ही मार्केट ओपन होगी एक बार मार्केट नीचे की ओर ज़रूर गिरेगी और ये जो नीचे की ओर मार्केट गिरेगी तो यहाँ पर हमें ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी बनेगी। मेरे ख्याल से जो आपको लेवल एक्सपेक्ट करने चाहिए वो 18,500 का। जैसे ही 18,500 पे मार्केट आती है तो आप ऊपर की साइड का 18,600 या तो फिर 18,550 का आप कॉल के प्रीमियम को डेफिनेटली बाय कर सकते हो और इसको आप एक्सपायरी तक होल्ड भी कर सकते हो। इसमें आप देखोगे तो 100% आपका
प्रॉफिट होगा। और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 में आपको अगले आने वाले हफ्ते में 18,800 का लेवल डेफिनेटली एक्सपेक्ट करने चाहिए और नेक्स्ट हफ्ते में आपको ये लेवल 100% दिखाई पड़ेगी। मैंने काफ़ी दिनों से ये बात बोली है कि निफ्टी 50 में बहुत जल्द ये लेवल आपको दिखाई पड़ेगी। तो गाइस अगर आपको निफ्टी 50 में मंडे के दिन ट्रेड करने का है तो आपको डेफिनेटली 18,600 का या तो फिर 18,550 का कॉल को आपको मंडे के दिन इनिशिएट कर सकते हो। तो गाइस अब हम समझ लेते हैं बैंक निफ्टी को, तो हम चले जाते हैं यहाँ से सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो गाइस हम आ चुके हैं सीधे यहाँ पर निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर वन डे की कैंडल्स को लगाया हुआ है। अगर आप निफ्टी बैंक के चार्ट को अगर आप गौर से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको दिखाई पड़ रही है उनको सपोर्ट बनाकर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक पहला एक सपोर्ट लिया था, इसके बाद यहाँ पर एक दूसरी बार सपोर्ट लिया और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक आपको बाउंस बैक एक्सपेक्ट करने चाहिए। लेकिन ये बाउंस बैक कहाँ तक हो सकता है, तो देखिए मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियो में एक बात बोली है कि जो बैंक निफ्टी है ये 44,000 के जो लेवल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है और इसको आसानी के साथ ये बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करेगा। तो हो सकता है आपको बैंक निफ्टी में यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए आपको कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करने चाहिए और मेरे ख्याल से ये जो कंसोलिडेशन का लेवल रहेगा वो नीचे की साइड की हम ये अगर बात करें तो 43,700 का लेवल और ऊपर की साइड की हम बात करें तो 44,200 का लेवल। ये दोनों लेवल जो है 500 पॉइंट का उसी के बीच अगले हफ्ते में एक्सपायरी होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। अभी जो मार्केट ट्रेड कर रहा है वो है 43,880 पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में मंडे के दिन आपको थोड़ी सी वीकनेस शुरुआत में ज़रूर दिखाई पड़ेगी, इसके बाद आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ से 100 पॉइंट बैंक निफ्टी मंडे के दिन नीचे आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो आपको जो एक लेवल याद रखने का है मैंने आपको बोला है 43,700 का। देखिए अब देखिएगा इस मंडे के दिन हमें अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने का है तो किस तरह से हम ले सकते हैं। तो आज के दिन की प्राइस एक्शन आप देखोगे तो यहाँ पर अगले दिन मार्केट क्लोज हुई थी, इसके बाद मार्केट जो ओपन हुई ये गैप अप ओपनिंग हुई, इसके बाद मार्केट नीचे जरूर गई थी लेकिन इसके बाद आप देखोगे तो मार्केट ऊपर गई है और लास्ट में थोड़ी सी कंसोलिडेशन मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई है। तो ऐसा लगता है कि मंडे के दिन जो मार्केट में ओपनिंग होगी मेरे ख्याल से शुरुआत में एक वीक मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करने चाहिए और इसके बाद आप देखोगे तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली ऊपर जाएगा। अब हमें ट्रेड लेने का है तो ये जो मार्केट नीचे जाती है ये लेवल है 43,800 का, इस लेवल को आप ध्यान में ले सकते हो। यहाँ पर मार्केट आती है तो आपको ऊपर की साइड का 44,000 का कॉल के प्रीमियम को आप यहाँ पर बाय कर सकते हो और इसको आप एक्सपायरी तक होल्ड भी कर सकते हो। लास्ट में आप देखोगे तो इसमें 100% डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये कुछ बैंक निफ्टी की इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में दे दिया है। अब हम समझ लेते हैं फिन निफ्टी को कि आप फिन निफ्टी में किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो हम यहाँ से चले जाते सीधे फिन निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो गाइस हम आ चुके सीधे यहाँ पर फिन निफ्टी के चार्ट के ऊपर और फिन निफ्टी के चार्ट पे हमने वन डे के कैंडल्स को लगाया हुआ है। यहाँ पर आप फिन निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो लास्ट की ये जो तीन कैंडल बनी है तीनों के तीनों कैंडल वीक हमें दिखाई पड़ रही है एवं आज के दिन फ्राइडे के दिन की ये लास्ट वाली कैंडल दिखाई पड़ रही है ये भी वीक कैंडल्स हमें दिखाई पड़ रही है। तो बहुत ही जल्द फिन निफ्टी में आपको 19,200 का लेवल, मैंने आपको पहले भी बोला है ये लेवल आपको डेफिनेटली एक्सपेक्ट करने चाहिए और मंडे के दिन या तो फिर ट्यूसडे के दिन ये लेवल आपको डेफिनेटली दिखाई पड़ेगा। लेकिन गाइस इसके बाद अगर मार्केट में कुछ गिरावट होती है स्पेशली फिन निफ्टी में तो आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए सीधे सीधे 18,800 का लेवल। और मेरे काफ़ी सारे वीडियो में मैंने आपको ये बात को बोला है कि फिन निफ्टी जो है ये 18,800 तक एक सपोर्ट है इनका, इसके नीचे फिन निफ्टी जाता हुआ हमें नहीं दिखाई पड़ेगा। तो अगर मार्केट देखिए 19,200 पे सपोर्ट लेकर बाउंस करती है तो ठीक है,
अगर यहाँ पर 19,200 को भी ब्रेक करती है तो ये लेवल आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए और इसके हिसाब से आपको ट्रेड लेने चाहिए। अब हम समझ लेते हैं कि फिन निफ्टी में हम मंडे के दिन किस तरह से पोजीशन बनाते हैं। तो इसके लिए हम चले जाएंगे यहाँ से सीधे 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर, यानी कि इंट्राडे कैंडल्स हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो देखिए आज के दिन जो फिन निफ्टी में प्राइस एक्शन हुई है, जैसे निफ्टी 50 में हुई है, जैसे बैंक निफ्टी में हुई है, इसके वैसे ही यहाँ पर फिन निफ्टी में भी प्राइस एक्शन हुई है। यहाँ पर कुछ अलग नहीं है, लेकिन अलग कुछ ये है कि यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है ये आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो डे के लो के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। तो ये जो डे लो के आसपास क्लोजिंग हुई है तो हमें ऐसा क्लियर कट हमें दिखाई पड़ रहा है कि मंडे के दिन और ट्यूसडे के दिन आपको फिन निफ्टी में वीकनेस एक्सपेक्ट करने चाहिए और 19,200 का लेवल आपको 100% दिखाई पड़ेगा। अब आपको फिन निफ्टी में ट्रेड लेने का है तो किस तरह से आप ले सकते हो। मेरे ख्याल से अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हो कोई सेफ पोजीशन, तो ये 19,300 का एक पुट है, आप इसको बाई कर सकते हो और एक्सपायरी तक देखेगा। इस फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है ये निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी से थोड़ी अलग होती है, यानी कि इनकी एक्सपायरी जो होती है वो मंगलवार के दिन होती है। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है, आप इसको बाई कर सकते हो और इसको एक्सपायरी तक होल्ड भी कर सकते हो और लास्ट में आप देखोगे तो इसमें आपका 100% प्रॉफिट होगा। लेकिन गाइस मेरा मानना ऐसा है कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी आपको मंडे के दिन बुलिश दिखाई पड़ेगा। तो अगर आप मंडे के दिन अगर ये पोजीशन लेना चाहते हो तो बिल्कुल गलत आपका फैसला जाएगा और मंडे के दिन आपको लॉस होगा। लेकिन हाँ, अगर आप मंडे के दिन लास्ट में अगर आप ये ट्रेड लेते हो तो आपका 100% आपको ट्यूसडे के दिन प्रॉफिट होगा। तो गाइस ये कुछ निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में दे दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो एक आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फैन।